स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज का जो व्लॉग होने वाला है वो हमारे महाराज जी के ऊपर होने वाला है, जो कि श्री गुरु विजट महाराज जी हैं। दोस्तों इनकी यात्रा आज फिर 12 साल के बाद शुरू होने वाली है, जो कि पंजिया गांव से शुरू होगी और चूड़धार तक ये यात्रा जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूँ कि जो ये यात्रा है, ये एक साइड जो भी यात्री हैं वो गाड़ियों में जाएंगे और दूसरी साइड से पैदल आएंगे। और जो पैदल श्रद्धालु आने वाले हैं वो दोस्तों 200 किलोमीटर समथिंग कुछ होगा। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो व्लॉग है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। दोस्तों पहली बार मैं अपने गांव वालों के साथ ये व्लॉग शूट करने वाला हूँ, और दोस्तों और साथ ही साथ तो हमारे महाराज तो है ही, तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों आज आपको जौनसार के लोगों की आस्था और प्यार देखने को मिलेगा, देवता के प्रतीक। और दोस्तों आपको पता ही है कोविड में ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं मिल पा रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की, और जो इन परमिशन वगैरह का जिम्मा है ये है मिस्टर आनंद सिंह चौहान और मिस्टर जयपाल सिंह चौहान के ऊपर, जो कि दोनों ही मेरे चाचू हैं। तो दोस्तों सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस यात्रा में, और सीरियसली गाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने कुलदेवता की मतलब यात्रा को अपने व्लॉग में लेके आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी मान रहा हूँ कि दोस्तों मुझे ये चांस मिल रहा है। दोस्तों तो 12 साल के बाद ये यात्रा शुरू होती है, और दोस्तों एक बार 12 साल में होती है, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट यात्रा होगी वो भी फिर 12 साल बाद ही होगी, उससे पहले दोस्तों नहीं होता। तो दोस्तों बने रहिए व्लॉग में, बहुत ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। पूरा व्लॉग देखिएगा, पूरी आपको यात्रा दिखाएंगे और सब कुछ दिखाएंगे इसमें, जौनसार बाबर किस लोग किस तरीके से यात्रा करते और किस तरीके से उन लोगों का प्यार है देवता के प्रतीक। तो बने रहिए व्लॉग में, लेकर चलते हैं आपको पंजिया और वहाँ से सीधा चूड़धार। तो दोस्तों हमने ले ली है माली जी से आज्ञा, और अब हमारी यात्रा जो है वो पंजिया गांव से सराय गांव की तरफ निकलेगी। और दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये श्री श्रीगुरु विजट महाराज जी की छड़ी है। दोस्तों इस यात्रा में हमारे साथ 5 गांव के लोग शामिल हुए हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। और दोस्तों जो हमारे 5 गांव के देवता हैं वो श्री श्रीगुरु विजट महाराज जी हैं। तो दोस्तों यात्रा हमारी पहुंच चुकी है सराय गांव में, जो कि श्रीगुरु विजट महाराज जी का मंदिर है। तो दोस्तों मैं पहले यहाँ से पूजा शुरू करनी है, उसके बाद ही हमारी यात्रा जो है वो चूड़धार के लिए सफल हो पाएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं सराय गाँव का भी मंदिर, जो कि बस थोड़ा ही आगे है यहाँ से। तो मतलब ये जो आप स्नान के लिए लेके आते हो देवता का मतलब छड़ी वगैरह ना, तो कितने कितने साल बाद आते हो आप यहाँ पे? ये 12 साल बाद होता है महाराज का स्नान। हाँ, 12 साल लेके ही चूड़धार और इससे पहले हरिद्वार। अच्छा, पहले हरिद्वार और फिर बैसाखी का स्नान। बैसाखी का पर्व हरिद्वार होता है, उसके बाद आषाढ़ के महीने का चूड़धार। अच्छा, आषाढ़ के महीने में चूड़धार। चलो, और मतलब ये फिर यहाँ से क्या पहले एक गाड़ी में फिर पैदल कैसे आते हो? थोड़ा बाद हमारी पैदल यात्रा रहेगी घर तक। घर तक पैदल यात्रा, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। आइए आप।
तो दोस्तों ये जो मंदिर है सराय गांव का, ये आप देख सकते हो, ये 400 साल पुराना मंदिर बताया जाता है कि दोस्तों 400 साल पहले बनाया गया था श्री गुरु बिजट महाराज जी का मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और दोस्तों ये पूरा मंदिर लकड़ी का बनाया गया है, और इसकी जो वीडियो है वो हम अंदर से तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वीडियो अंदर से बनाना बनाया है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मेन लोकेशन पे, जहां से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और यहां से जो ट्रैक है वो नियरली 8 किलोमीटर्स का ट्रैक है, और मेरे साथ है मेरे आज फर्स्ट टाइम गांव वाले। तो आज आपको दिखाने वाले हैं हम चूड़धार का मंदिर, और रास्ते में पूरी ट्रैकिंग दिखाएंगे दोस्तों, कितनी चढ़ाई है और कैसे कैसे करके जाना पड़ता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, पूरी वीडियो देखो, और दिखाते हैं आपको रास्ते का व्यू और दो गांव के सारे मेंबर्स, या फिर आप बोल सकते हो सारे फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं चूड़धार की तरफ। तो फाइनली यहां से ट्रैकिंग हो चुकी है स्टार्ट, और आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं घंटी लगाई गई है, मतलब चूड़धार के लोगों ने, और हमारे रणवीर चाचा सबसे आगे आगे। जय हो महाराज जी। शुरुआत करते हैं परिचय से, एक एक करके अपना नाम और गांव का नाम। ये सब लोग जो है हम लोग पंजिया से आए हैं, हम सब लोग गुड़गांव के हैं, और बंसार और कुछ बंसार के लोग हैं। थोड़ा लाउड लाउड तेज ऊंची आवाज में। हम सब लोग जो है महाराज जी श्री गुरु बिजट महाराज के दर्शन के लिए स्नान करने आए हैं, और यहाँ 5 गांव के लोग अभी यात्रा कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग जो है मैक्सिमम लोग दुधाव के हैं, इसमें कुछ बंसार के भी हैं जी। इससे पहले भी आए हो आप लोग कभी यहाँ पे? हाँ हम लोग जो, मैं तो 5वीं बार इस बार आ रहा हूँ जी, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहली बार भी आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी बार भी आ रहे हैं। तो चाचू जैसे मतलब लोग बोलते हैं कि चूड़धार के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब चलना पड़ता है, और आधे ज़्यादा लोग मतलब सोच के ही आला पसंद नहीं करते इस जगह पे, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे अगर वो चूड़धार आने की सोच रहे हैं इन फ्यूचर? तो चूड़धार आना है तो एक सबसे पहली बात है कि श्रद्धा होनी चाहिए मन में। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपके अंदर अपने आप ही शक्ति आ जाती है, इस चढ़ाई का पता नहीं चलता। और जो खाली इंजॉय करने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। जो श्रद्धा से आते हैं उनके लिए तो ये रास्ता तो पता नहीं चलता कैसे। मैं तो 5वीं बार खुद आ रहा हूँ, पता नहीं चलता महाराज की कितनी शक्ति है यहाँ पे। यहाँ साक्षात ईश्वर है, और हम जब चलते हैं पहुँचते हैं तो हमें ये चीज देखने को भी मिलती है, महसूस करते हैं कि यहाँ साक्षात ईश्वर है। तो दोस्तों अभी हम चूड़धार के आधे रास्ते में पहुंचे हैं, और चढ़ाई आप देख ही सकते हो, मैं काफ़ी हाइट पर आया हूं, और जो मेरे गांव वाले मतलब जो मेरे साथ हैं वो आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे हैं इस टाइम पर, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहां पे। भले ही अभी चाचा जी ने डिस्टेंस बोला है कि डिस्टेंस उन्होंने बताया कि 6-7 किलोमीटर, इससे ज़्यादा चूड़धार का जो है वो रास्ता नहीं है। और आप देख ही सकते हैं सारे गाँव वाले नीचे से आ रहे हैं, मैं थोड़ा उनसे पहले आ गया था तो इसलिए थोड़ा चढ़ाई पे आया हूँ। तो देखिए आप दिखाने के लिए कैसे जिगजैग वाला ट्रैक है चूड़धार का, और आप देख सकते हो दोस्तों चारों तरफ ये है चूड़धार का जंगल, और सामने हमारे रणवीर चाचा पहुँच चुके हैं हमारे पास, और बाकी ये देख सकते हैं आप धीरे धीरे गांव वाले भी आ रहे हो। देखो बिल्कुल डाउन से आए, बिल्कुल चढ़ चढ़ के ऊपर, तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है चूड़धार की यात्रा में, बहुत ही मज़ा आता है। ऐसी यात्रा हर साल है। तो दोस्तों काफ़ी देर ट्रैकिंग करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, और जो यहां पे हम रुके हैं, हम मतलब थोड़ी भूख वगैरह लग रही है और सोचा कि थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लें, क्योंकि इसके बाद शायद ही कुछ आगे खाने पीने को मिलने वाला है। और दोस्तों जो यहां पे मतलब जिन्होंने यहां पे स्टॉल्स डाले हैं, क्योंकि इतने चढ़ाई पर जाहिर सी बात है कोई होटल्स वगैरह खोलने की तो नहीं सोचने वाला, और जो इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल डाले हैं वो है गुज्जर, जो मतलब यहीं पर ही रहते हैं, तो उन्होंने अपने मतलब रोज़गार को बढ़ाने के लिए छोटा मोटा मतलब बिजनेस सेटअप किया है। बट
अब धीरे धीरे इनका बिजनेस जो है वो काफ़ी चलने लगा है और काफ़ी भीड़ रहती है इनके स्टॉल्स पे, क्योंकि दोस्तों जो इतनी चढ़ाई करने के बाद जो यहाँ तक पहुँचेगा वो जाहिर सी बात है खा बिना खाए पिए तो नहीं जाने वाला, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स प्रोवाइड किए हैं। और मतलब देख सकते हो, अभी दिखाता हूँ आपको कितनी सुंदर लोकेशन पे है ये स्टॉल्स। और मैंने तो ये अभी थोड़ी देर में चूड़धार पहुँचेंगे, फिर आपको चूड़धार भी दिखाएंगे। तो और हाँ, थोड़ी रिव्यूज़ जानते आ रहे हैं चाचा से, मतलब कितना यहाँ से रह गया, क्योंकि वो 5-6 बार पहले भी आ चुके हैं, कितना रह गया और कितना चलने को अभी है। वो लोग अभी आगे ही बैठे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो चाचू, कितने किलोमीटर आ गए हम टोटल? अभी हम लगभग जो है 60% आ गए, 40% अभी बाकी है। और ये यहाँ पे जहाँ हम बैठे हुए हैं, हाँ जी, इसकी गुजरों का डेरा बोलते हैं जी। यहाँ पे जो है चाय पकौड़ी, हाँ, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए इन शॉर्ट। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यात्री जो आते हैं, मेरा जी निवेदन है जी जी, जो भी आए ये गंदगी ना फैलाए जी, जो भी चीजें आप लेके आते हो साथ उसको या तो कूड़ादान में डाल दे। देखो इस चीज की जगह जगह जो फेंक के रखते हैं ये चीजें, ये ना फेंके, और अगर आपके पास है तो कहीं सुरक्षित ऐसे जगह डाले, या फिर इसे जला के नष्ट कर दो, या जला के नष्ट कर दे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ये कितना ध्यान रखेंगे। अगर इतनी पब्लिक आती है, यहाँ हजारों लोग आते हैं दिन में, इतना गंदगी करते जाएंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई गंदगी फेंक दें तो सुरक्षित ऐसे जगह रख दें, डस्टबिन में या उस कहीं जला दें। और इस पर वातावरण पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, अगर हम धीरे धीरे यहाँ पर भी वही हाल कर देंगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा नीचे पहाड़ों में भी, अगर तुम ऐसे काम कर रहे हो तो फिर मत ही आओ इससे अच्छा। पॉलीथिन्स वगैरह ना फेंके और साफ़ सफाई का खासकर ऐसे एरियों पे तो ज़्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम कहाँ पे आ रहे हैं और किस जगह पे हैं, तो खासकर इन सब चीज़ों का ध्यान तो रखना चाहिए। तुम सोच ही रहो कि हम मंदिर जा रहे हैं और बीच में तुम गंदगी कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा जाके। चलो चलते हैं आगे की तरफ। चलो ना जी, आपको तो जाना ही पड़ेगा, मैं तो यही लगा लेता हूँ बिस्तर। चलो ना ना, आप तो जाओ।
अरे चल दिए हमारे जयपाल चाचा घोड़े पर स्पेशल हॉर्स राइड। महाराज की जय। तो दोस्तों मेरे गांव वाले ने स्पेशली मेरे लिए ये बनाया बहुत मेहनत करने के बाद, और मतलब करीबन इसमें आधा घंटा लगा हम लोगों को बनाने में। आप देख सकते हो जो यहाँ पे स्टोन्स हैं, उन्हीं स्टोन्स का द मॉडर्न पहाड़ी जो कि मेरे चैनल का नाम है, वो मेरे गांव वाले ने स्पेशली मेरे को लिखा है। और मैं अपने गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इतना मतलब इतनी मेहनत करने के लिए, वो भी स्पेशली मेरे चैनल के लिए। देखिए चूड़धार की खूबसूरती और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, और हमारे गांव वाले आज पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और यहाँ थोड़ी डलनेस आ रही है क्योंकि दोस्तों शाम होने को है, इस वजह से थोड़ी कैमरे में डलनेस है, जब एंगल थोड़ा चेंज करने पे आ रहे तो थोड़ी डलनेस आ रही है। देखो दोस्तों पहाड़ों की खूबसूरती, इन्होंने हॉर्सेज ने आज खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए। हॉर्सेज देखो दोस्तों आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और सामने लिखा है मेरे चैनल का नाम द मॉडर्न पहाड़ी पे। वहाँ जब धुंध दिख रही है ना हल्की हल्की, उस टॉप पे जाना है अभी भी, व्यू काफ़ी है मतलब चलने के लिए। तो बने रहिए व्लॉग में, आपको आज पूरा दिखाते हैं। वो जाना ना ऊपर ऊपर, कैमरे में भी नहीं आ रहा अभी तो, ये इतना ऊपर जाना है दोस्तों। तो इतने देर चलने के बाद भी हमें थकान नहीं हो रही है, और इससे ज़्यादा क्या ही शक्ति हो सकती है दोस्तों, बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। और हमने आधे से ज़्यादा जो है सफ़र वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से ज़्यादा एक घंटे का और ट्रैक है। और सीरियसली दोस्तों कोई थकान नहीं हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे शक्ति है कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप चले और चल रहे हैं, और मतलब आपने सफ़र भी कंप्लीट कर लिया दोस्तों। फुल मज़ा आ रहा है, कभी जो चूड़धार नहीं आया है ये मैसेज देना चाहूँगा, एक बार चूड़धार ज़रूर आए और मतलब यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके जाए। अभी एक घंटे के बाद हमारी सुबह की भी एक दो घंटे की ट्रैकिंग हो रहा है ऊपर टॉप तक की। अभी हम मतलब नाइट में यहाँ पे आगे जाके थोड़ा स्टे करेंगे, उसके बाद जब सुबह हो जाएगी फिर हम मतलब जो लास्ट मतलब यहाँ पे हमारा मतलब लोकेशन है उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। हाँ मतलब लास्ट स्टेज या फिर लास्ट जिसे बोल सकते हैं जहाँ पे हमें मतलब जाना है, शिवजी भगवान की मूर्ति पे जाना है दोस्तों, हमारे लास्ट है, उसके बाद हम वापसी आएंगे। तो चलते हैं, बने रहे, वहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। हाँ तो तब तक बने रहे। दोस्तों प्लान कुछ इस तरीके से था कि आज हम पहले हम चूड़धार रुकने वाले थे, बट प्लान चेंज हो गया क्योंकि हमें मॉर्निंग में सुबह ही निकलना है 5:30-6 बजे। तो सडनली प्लान चेंज हुआ और अभी हम ट्रैक करेंगे सीधा मंदिर, ओ मूर्ति तक ना, मूर्ति तक, हाँ शिव शंकर की मूर्ति तक हम अभी सीधा अभी ट्रैक करना है क्योंकि सुबह हमें टाइम नहीं मिलने वाला। तो हमने डिसाइड किया कि जब इतने दूर, हाँ जब इतने दूर आए हैं तो पूरा ही कंप्लीट करके जाए, मतलब पूरा सफर करें, आपको पूरे ट्रैक का मजा दिलाएंगे। हाँ आपको पूरे ट्रैक का मजा दिलाएंगे, तो बने रहिए व्लॉग में, चलते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी मतलब जहाँ शिवजी भगवान की मूर्ति है वहाँ पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है चढ़ाई करने में, और व्यू तो यहाँ का इतना सुंदर है कि मज़ा आ गया कसम से। मतलब थकान के भी बेस्ट अभी कंप्लीट हुआ हमारी ट्रैकिंग, तो फिर सांस वगैरह तो हल्की फूलती है, बट थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बहुत मज़ा आया ट्रैकिंग करने में। सुबह 11 बजे से और 5-6 बजे तक का सफ़र, पता भी नहीं चला कब कम्प्लीट हो, और आपको व्यू दिखाता हूँ।
सो फ्रेंड्स, ये पूरा जहाँ आप देख सकते हो दूर दूर तक पहाड़ है, सारी हमने ट्रैकिंग करके अभी कंप्लीट किया है पूरा ट्रैक। और अभी हमारे ठीक पीछे शिव जी की मूर्ति है, जहाँ पे हम मतलब जहाँ के लिए हमने इतना लंबा सफ़र तय किया है। और आप व्यू आप देख सकते हो, कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, दूर दूर तक मतलब पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। लास्ट सीढ़ियाँ जो कि हमारा पूरा सफ़र ख़त्म करती है, ठीक शिव जी भगवान के सामने। और आप नज़ारा देखिए यहाँ का, पीछे सूरज। और ये हमारे गांव वाले, ये हमारे गांव वाले जिन्होंने पूरा सफ़र हमारा कंप्लीट करने में मदद करवाई। हाँ, ये हमारे माली जी है। और ये हमारे जीतू जी। तो दोस्तों, हमारी यात्रा हो चुकी है कंप्लीट और हमने दर्शन भी कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए वीडियोस में। बाय बाय, अलविदा।